आप नैदरलैंड में कब नैदरलैंड होता है नैदरलैंड होता है नैदरलैंड होता है लैंड <laughs> 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 आप नेदरलैंड्स में कब से मैं नेदरलैंड्स में अप्रोक्सीमेटली हाँ वन एंड हाफ ईयर से हूँ और आप नेदरलैंड्स में क्या कर रहे मैं नेदरलैंड्स में एज अ बेसिकली डेवॉप्स uh, इंजीनियर हूँ ए एस एम एल यहाँ की कंपनी है आ, uh, आपने शायद नाम सुना होगा ए एस एम एल एज अ वेल नोन कंपनी यूरोप सो उसके अंदर मैं एज अ डेवॉप्स और क्लाउड इंजीनियर हूँ उनके आई एम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो आपने बैचलर्स कहाँ से किया था मैंने बैचलर्स पाकिस्तान से किया कराची से इलमा यूनिवर्सिटी से अच्छा बैचलर्स किस में किया आपने कंप्यूटर साइंस में बी एस इन कंप्यूटर साइंस उसके हाँ मास्टर्स की थोड़ी सी ये स्टोरी है कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था फास यूनिवर्सिटी में लेकिन मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं उसको ड्रॉप करके फिर मैं यहाँ आ गया अब मेरा यहाँ पे फ्यूचर का प्लान है कि मास्टर में दोबारा इनवोल्ड होना है यहाँ पे वो पे हो रहा है तो नेदरलैंड्स में कौन से शहर में आप मैं नेदरलैंड्स में एंडोमेन सिटी में हूँ इसको इंटरनेशनल सिटी भी कहा जाता है एंडोमेन यहाँ टोटल जो है वो इंटरनेशनल ही रहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एस एम एल फिलिप्स और ये कंपनीज हैं यहाँ पे तो ज्यादातर फॉरनर्स ही आपको मिलेंगे

तो आप जो यहाँ माशाल्लाह से कमा रहे हैं नेदरलैंड्स में ठीक है <laughs> तो आप पाकिस्तान पैसा भेजते हैं जी बिल्कुल और टैप टैप के थ्रू ही भेजता हूँ और मैंने आपका अच्छा प्रोमो कोड भी यूज किया हुआ है चलिए दैट्स ग्रेट तो अब जो मेरा काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो वो ये होता है कि आप माशाल्लाह से डेढ़ साल से नैदरलैंड में तो आप पर एनम पर ईयर आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी है? आ, पर परनम तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट होगा लेकिन मैं आपको पर मंथ बता सकता हूँ। हाँ जी पर मंथ बता दो। मेरा इनटेक क्या आ जाता है लाइक आफ्टर टैक्स डिडक्शन और सब के बाद तो एप्रोक्सीमेटली 5000 uh, यूरोस ऑन शो मोर 5000 यूरोस आफ्टर टैक्स डिडक्शन आ रहा है आपके पास माशाल्लाह से दिए।

अपने बैचलर्स कंप्लीट कर रहा था तो इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो फोर ईयर की ग्रेजुएशन और उसके बाद थ्री इयर्स ये थी तो अराउंड लाइक सेवन इयर्स बन जाता है और तो इसीलिए जो है वो हाँ। तो, <laughs> माशाल्लाह से फाइव थाउजेंड यूरोस आपका टेक अवे मेरे ख्याल से टैक्स मिलाकर सेवन थाउजेंड होगा है ना सिक्सटी फाइव हंड्रेड इतना टैक्स ट्वेंटी ट्वेंटी मेरे ख्याल से मेरा एक नाइव सा है। तो फाइव यूरोस आप कमा रहे हैं तो इसमें से आपका अकोमोडेशन में कितना लगता है अकोमोडेशन में शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो उसके अंदर सिक्स मेरा रेंट है घर तो के तो वहां पर... वहां पर भी आ, या ए, मिल जाते हैं, नहीं मिलते लंदन की एक ही वॉशरूम है उसके अंदर जो है वो चार लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट में या घर में तो उसके एक ही वाशरूम एक ही किचन है वो आपने शेयर करना है। ये मसला है मगर फिर भी सिक्स फिफ्टी एक ज्यादा किराया मैं यहाँ रह रहा हूँ लंदन में मेरा सेवन फिफ्टी है ठीक है तो आप सिक्स फिफ्टी यूरोज आप दे रहे हैं यानी ये ज्यादा कराया कम किराया आपके लिहाज से जो वहाँ के इलाके सिटी के लिहाज से क्योंकि मैंने बोला इंटरनेशनल सिटी है तो इस सिटी के लिहाज से थोड़ा सा एवरेज है ना ज्यादा है ना कम है।, अच्छा। हाँ, है, है क्योंकि 5, 1200 तक चले जाते। और फिर बाद में आपका ग्रोसरी वगैरह कितना हो जाता है अगर यहाँ हो जाता है तो ग्रोसरी वगैरा मिला कर आपको कितना पर मंथ ग्रोसरी मैंने

लेकिन मैंने गाड़ी परचेज की हुई है तो मेरी अपनी गाड़ी है पुरानी ही गाड़ी ली है लाइक क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोई भी आता है पाकिस्तान या कहीं से भी या दुबई से तो आपको यहाँ पे दो अपरचुनिटी मिलती है एक टैक्स के अंदर थर्टी परसेंट रूलिंग होती है वो और दूसरी चीज होती है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज अपर्चुनिटी मिलती है तो मैंने ये दोनों अपॉर्चुनिटी अवेल किया मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस लाइसेंस था मैंने उसको यहां के में कन्वर्ट कराया एज आप जो है हाई स्किल्ड माइग्रेंट आते हैं तो आपको ये अपरचुनिटी मिलती है और दूसरा थर्टी परसेंट रूलिंग जो होती है उसके अंदर आप जो है वो आपको सेवेंटी परसेंट सैलरी पे आपका टैक्स होता है उसके अलावा थर्टी परसेंट सैलरी पे आपके टैक्स नहीं होता तो ये क्या रूल है मतलब ये हर एक के लिए या सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं जो हाई स्किल्ड माइग्रेंट जो होते हैं जो कि स्किल्ड वर्कर हैं स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर लाइक like आईटी के अंदर और uh, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो इनके इनको ज्यादा जा, रिक्वायर्ड है तो वो सिर्फ उनको देते हैं अच्छा तो फिर इनर नट शालव की फिर पर मंथ सेविंग्स इतनी हो रही माशाल्लाह से सेविंग अराउंड 1 मंथ 1 मंथ बताऊं तो 3000 तक हो जाती है थ्री थाउजेंड तक और अगर आ, मैं अपना सोचूं कि अच्छा हम वहाँ काम कर रहे हो तो उसमें से आप हजार या पंद्रह सौ भी पाकिस्तान भेज दो ये पाकिस्तान भेजने के बाद बता रहे हैं पहले बता रहे हैं पाकिस्तान भेजने से पहले बता रहे हाँ आप हजार या पंद्रह सौ भी पाकिस्तान भेज दो तो पाकिस्तान में भी याशी और फिर अलहमदुल्ला इधर भी बंदे का सकून है जरा पीछे से भी लोग खुश हो इधर से भी खुश

डच uh, है है। तो आप, है है। तो हैं और अलग अलग और बहुत कम है जो ये वीडियोस देख रहे हैं बहुत से लोग जो इंजीनियरिंग चूज करने लगे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए तो एक, एक नया राह खुला होगा अच्छा नीदरलैंड भी जा सकते हैं तो मुझे बताएं वो ये वीडियो जब खत्म हो रही है उसके बाद वो क्या करें यार अच्छा हम ये करेंगे तो हम भी इनशाला

बोलता है हाँ सही है, तो फिर आप उसके थ्रू अप्लाई शुरू हो के जो है, वो बहुत है हम लोग उसको करते हैं और उसके समझ नहीं आता लोगों को कैसे करना है अप्लाई कैसे कनेक्शन बनाने कैसे आपने अलर्ट्स लगाने जॉब्स के किस तरह के किस तरीके से आपने सो है। तो वो मेरा भी लिंकड के थ्रू हुआ था

उसको दुआ सलाम करनी है थोड़ी सी तो फिर उसके बाद जो है वो अगर उसको कनेक्ट कर लेती है तो फिर आपने उससे पूछना है कि भाई आपकी कंपनी में ये पोजीशन आई हुई है और मैं इसके लिए मैंने अप्लाई किया है और मेरी जॉब एप्लीकेशन नंबर ये है तो प्लीज उसको आप देख लेंगे एक दफ़ा तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ आपने जो ना थोड़ा सा वो आपको वो देते हैं प्रियॉरिटी

अपसेट ना हो इस चीज से कि अगर आपकी रिलेक्शन आ रही है इंटरव्यू अच्छे नहीं जा रहे कोई ना कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस आ जाता है एक के बाद एक के बाद, बाद आप इंटरव्यू देते रहते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ हर इंटरव्यू से सीखते हैं मैं भी इंटरव्यू देता रहता हूँ भले से मेरी जॉब अच्छी है लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यूज देता रहता हूँ कंसिस्टेंसी के भाई मुझे जो है ना वो कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप जो है ना वो इंटरव्यूज देते रहें अपसेट ना हो कि भाई नहीं हो रहा मेरा और फिर आप छोड़ दें अप्लाई करना लेकिन आपको फिर एकदम से मौका मिलता है और आपको फिर हो जाती है तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है कुछ अच्छा। तो पाकिस्तान वापस आने का इरादा है आपका <laughs> अभी तो हो क्या पाकिस्तान <laughs> अभी वही अच्छा का क्या सीन है अगर आप वहाँ पाँच छह साल काम करते रहे जैसे इधर तो यूके में हमें मिल जाता है पांच साल बाद आई थिंक आई एल आर और उसके एक साल बाद पासपोर्ट मिलता है फिर छह साल में अगर स्किल्ड वर्कर वीजा हो तो आपका वहाँ पे क्या चक्कर है यहाँ पे भी ऐसी है, अगर आप हाई स्किल्ड माइग्रेंट आते हैं, हैं वीजे पे तो आपको फाइव ईयर में नेशनलिटी मिल जाती है और फाइव ईयर में ही परमानेंट रेजिडेंस मिलती है अच्छा पाँच साल लगातार टैक्स दे रहे हो सब कुछ कर रहे हो तो दोनों चीजें हो जाएगी इनशाला और इसके लिए आपको डच लाइन में सीखनी पड़ती है तो वो भी बेसिक होती है ए वन या अभी इन्होंने बी वन या बी टू कर दिए तो वो आपने देना होता है